हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं प्यार दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 7। और आज भी हम जैसे हम डेली करते हैं उसी टाइप से आज भी हम इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ वीडियो में प्यार दोस्तों लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। विनय शर्मा ने एक धनराशि को साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेश किया। ठीक है, 4 वर्ष के अंत में मिश्रधन जो है उसे 770 रुपये ब्याज मिला, तब कितनी धनराशि निवेश की गई, यानी कि उसने स्टार्टिंग में जो है कितने रुपए की धनराशि निवेश की होगी। ठीक है, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन में बात उस कैसे करोगे। पहला जो आपको ये दर दे रखी है इसे आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जब परसेंटेज का साइन रहता है नीचे आपका क्या आता है, यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बात दोस्तों आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर 1/10 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर 10 जो आपका ये होगा आपका पी यानी कि मूलधन होगा ये आपका, और यहाँ पर जो होगा ये आपका यह है मेरे प्यार दोस्तों मूलधन प्रिंसिपल। ठीक है, और यह है आपका SI यानी कि 1 साल का 1 ईयर का जो है SI है यहाँ पर। ठीक है ना, यह आपका है साधारण ब्याज, यह है 1 ईयर का। ठीक है, तो 1 ईयर का जो है आपका SI जो है 1 रुपीज। ठीक है, तो 4 ईयर का SI वो क्या होगा आपका, SI 4 रुपीज होगा। ठीक है, अब मूलधन आपको क्या है यहाँ पर 10 रुपीज़ दे रखा है। चलो यह यूनिट लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, यूनिट लिख लीजिए, चलिए यूनिट लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर भी यूनिट है, ये भी यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखो मिश्रधन गिवन है 770 रुपये। अब ए इक्वल टू क्या होता है आपका, पी प्लस का SI होता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू यानी कि आपका जो मिश्रधन है उसमें आपका क्या होता है, जो होता है आपका प्रिंसिपल, और प्लस क्या होता है उसमें ब्याज ऐड होता है ना। तो प्रिंसिपल क्या आपका यहाँ पर 10 है, प्लस SI कितना आपका यहाँ पर ये 4 है, यानी कि एज हो गया आपका यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, अब 14 जो है आपको मिश्रधन दे रखा है, यानी कि 14 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 770 के। यहाँ से 1 यूनिट आप फाइंड कर लीजिए, 770 अपॉन में आपको आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 14 से ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 14 5 जा 70 14 5 70, यानी कि 1 यूनिट जो आ गई आपकी यहाँ पर 55 आ गई है। अब आपको देखो पूछ रहा था ये तब कित मतलब धनराशि पूछ रहा था, ये धनराशि कितनी की कितनी थी। ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पर पी फाइंड करना। तो देखिए मैं प्यार दोस्तों पी कितना आ जाएगा आपका, पी कितना आपका यहाँ पर 10 यूनिट है। ठीक है ना, 10 × 55। ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 550 रुपये जो होगी आपकी यहाँ पर ये धनराशि होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एक निश्चित धनराशि पर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 5% दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर। तो यहाँ पर तो साधारण ब्याज में अंतर जो था 42 रुपये था, तब धनराशि आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर धनराशि तो गिवन है नहीं, तो यहाँ पर आपको लेट करनी है। ठीक है, आपको अगर धनराशि गिवन नहीं है तो हर क्वेश्चन में आप जो है 100 यूनिट आप जो है लेट कर लीजिए। यह है 100 यूनिट। ठीक है, ये आपकी मूलधन यानी कि पी है ये। तो देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को, रीडिंग को प्रॉपर तरीके से रीडिंग करिए पहले। ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 5%। ठीक है, यानी कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है आपका, अब पी तो आपके पास है 100 यूनिट आ गया है आपका, × 5 3 ईयर्स के लिए अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो दे रहा है ये बोल रहा है ना एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 5% दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज, 4 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर जो है 42 रुपये है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये 5 आ गया यहाँ पर, ये 5% की दर से आ गया है, और दर सेम है यहाँ पर। ठीक है ना, ये बोला एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर जो है 5% की दर से दे रहा है 3 वर्ष का था 4 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर। दर जो है आपकी दोनों सेम है यहाँ पर, अपॉन में आपको कितना जाएगा 100 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है ना, यूनिट है यहाँ पर ये 5 3 जा 15 यूनिट आ जाएगा आपका, 5 4 जा 20 यूनिट आ गया आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस दे रखा, यानी कि जो SI है ये भी मेरे प्यार दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब दोनों का डिफरेंस क्या आपका यहाँ पर ये 5 डिफरेंस है। ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस दे रखा अंतर 42 रुपये। यहाँ से जब आप 1 यूनिट फाइंड करोगे तो 42/5। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको मेरे प्यार दोस्तों धनराशि यहाँ से जो है आपको फाइंड करनी थी, धनराशि आपने क्या ऐड करी थी 100 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि 100 यूनिट में आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए 42/5। ठीक है, 5 2 जा 10, तो P इक्वल टू जो आगा मेरे प्यार दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 0, तो आप कैसे जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी कि 840 रुपये आ जाएगा ये आप।
तो मैं भी दोस्तों 840 रुपये जो है आपकी ये धनराशि होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं और। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 10,000 रुपये धनराशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर जो है उसकी 9.2% है, तब दोनों भाग हैं, ठीक है ना, यानी कि 10,000 में पूछ लिया है अलग अलग, यानी कि दोनों भाग कितने थे। अब पहले तो अलग अलग दे रखे हैं उसने 10,000 का। अब देखो ये इस टाइप क्वेश्चन आपको करना कैसा है, ठीक है, तो आपको देखो ये एलिगेशन मेथड से आपको करना है, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड। ये मैं प्यार दोस्तों आपको काफ़ी टाइम प्रॉफिट एंड उसमें कराया था मैंने, ये आपको परसेंटेज वगैरह में बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे ये एम और एन दो परसेंटेज हैं और इसका जो औसत है परसेंटेज वो जेड है यहाँ पर। ठीक है, जब आप यहाँ से एम रेशियो एन निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका जेड माइनस के एन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मेरे प्यार दोस्तों एन माइनस जेड, ये आपको ध्यान रखना है, और जेड माइनस एम। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड का, ठीक है ना, ट्रिक है यहाँ पर सॉल्व करने की। अब देखो 10,000 रुपये धनराशि कुछ भाग 8% की दर से देता है, ठीक है, कि वार्षिक दर से देता है, शेष भाग दे रहा है ये 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है, औसत जो यानी कि एवरेज जो आपकी 9.2% है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है तब दोनों भाग हैं, यानी कि दोनों भाग पूछ रहा है ये फर्स्ट और सेकेंड ही। ठीक है ना, तो देखो अब जब आप मेरे प्यार दोस्तों 10 में से 9.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा, 0.8। ठीक है, और उसके बाद आप जब 9.2 में से 8 माइनस करोगे तो आपका रिमेन कितना रहेगा 1.2%। ठीक है, 1.2% में लिख लीजिए। अब जब इसे हम प्यार दोस्तों मेरे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं जो हमारी सेम वैल्यू होती है वो हमारी कैंसिल हो जाती है, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो परसेंटेज साइन ये भी हट जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका रिमेन रहेगा 8:12। फिर इसे 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है ना, यानी कि 1:2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2:3। अब देखो अनुपातिक योग यानी कि रेशियो का जो सम होता है आपका यहाँ पर ये 5 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ में प्यार दोस्तों आपको राशि गिवन कितनी थी, आपको 10,000 थी। ठीक है ना, टोटल जो थी 10,000 थी। तो चलो फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए। अब देखो इसके ट्रिक क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अब जब फर्स्ट पार्ट निकालो तो फर्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है आपका इसके साथ, सेकंड वाले के साथ। ठीक है ना, तो जो रेशियो होती है आपकी वो आएगी टोटल अनुपात ही होगा का, जो टोटल राशि है आपकी इंटू 10,000 जो भी आपकी राशि है। ठीक है ना, 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट भाग होगा इसका 4,000 रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड निकालना है, सेकंड 3/5 इंटू कितना जाएगा 10,000, तो 5 2 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको जो सेकंड पार्ट आगा यहाँ पर ये 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है ना, 6,000 रुपीज़। देखो 6 और 4 कितना हो गया, आप 10,000 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग पूछ रहा था, ये अलग अलग भाग कितने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होगा आपका 4,000 और सेकंड होगा 6,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से उधार देता है। ठीक है, यानी कि मेरे प्यार दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है, 5,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 5,000 रुपये की कुछ राशि को दे रहा है 4% की वार्षिक दर से, और शेष भाग जो है वो देता है 5% की वार्षिक दर से उधार देता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है यहाँ पर 2 वर्ष बाद कुल ब्याज जो है 440 रुपये है। ठीक है, तो दोनों दरों पर दिए गए भागों के बीच अनुपात ज्ञात करो, यानी कि उसने किस अनुपात पर दिए थे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना। अब यहाँ पर आपको एवरेज जो आपका दर होती है वो तो है यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एवरेज वाली है वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो देखो ये मेरे प्यार दोस्तों किस टाइप से करना आपको क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों, देखो 2 वर्ष के लिए है। ठीक है ना, वो ब्याज जो आपका यानी कि ऐसा ही दे रहा है वो 440। समय कितना आपका, आर इक्वल टू होता है आपका SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है ना, P कितना आपका 5,000 है मेरे प्यार दोस्तों इंटू। ठीक है, और T कितना आपका 2 वर्ष है यानी कि 2 ईयर है। अब यहाँ पर 2 1 2 3 0 से आप 3 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है ना, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। ठीक है ना, यानी कि R इक्वल टू आ गया आपका 22/5, यानी कि इसे लिख सकते हो आप 4.4%। ठीक है, 4.4%। अब इसे आप एलिगेशन मेथड से सोल्व करिए मेरे प्यार दोस्तों। एवरेज आ गया यहाँ पर ये एवरेज। ठीक है ना, एवरेज दर आ गई है आपकी ये मेरे प्यार दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी आपको यहाँ पर ये, तो आप जो है कॉपी पेंसिल लेकर जब आपको क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है ना, जो क्वेश्चन है ये पहले आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन डिवाइस करिए या सोल्व करिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकेंड
जो आपको परसेंटेज दे रखी थी, अब 5000 रुपये कुछ भाग जो है साधारण ब्याज 4% की दर से देता है, ठीक है ना। अब शेष राशि का दे रहा है ये 5% की दर से। अब एवरेज हमने मेरे प्यार दोस्तों अभी हमने फाइंड करा, ये कितना आपका 4.4%, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये एलिगेशन मेथड से जो आपको ये सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों आपको, अब यहाँ से आप जब माइनस करोगे आप, ठीक है, 5 में से 4.4 माइनस करोगे तो आपको कितना जाएगा, ये वहाँ पर 0.6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करोगे तो 0.4 जाएगा, ये यहाँ पर देख लो आप परसेंटेज में आएगा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे रेशियो में, 1:2 इक्वल टू आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। वो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6:4 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि 1:2 आपका आ जाएगा, 3:2 आ गया है, ठीक है। बस ये रेशियो पूछ रहा था इसमें, दोनों दरों पर दिए गए भागों के बीच अनुपात याद करो तो कितना आ जाएगा रेशियो आपका, 3:2, यानी कि आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों यह क्वेश्चन आपको सही समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ए 5000 रुपये बी के 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दरों पर उधार देता है, ठीक है ना। और उन दोनों से 2200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, यानी कि टोटल क्या करता है वो 2200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा इक्वल टू क्या होगा आपका, PRT × 100 होता है, ठीक है ना, PRT/100। तो P कितना आपका यहाँ पर 5000 है, ठीक है ना। ए जो है 5000 रुपये बी के 2 वर्ष के लिए देता है, ठीक है ना। यानी कि इसे आर जो आपको यहाँ पर फाइंड करनी, यानी कि आर तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोला भी है इसने, ये बोला देखो समान साधारण ब्याज की दरों पर, यानी कि जो आपकी पहले वाले की है, यानी कि 5000 पर 3000 पर R1 = R2 = R है, ठीक है ना। यानी कि जो आपको दर है यहाँ पर, ये मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर सेम है, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए देता है अभी को, 2 वर्ष के लिए। ये बोला ए 5000 रुपये बी के 2 वर्ष के लिए देता, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए देता है, अपॉन में आपका 100 आ गया प्लस। अब ए जो है सी को कितने देता है, 3000 रुपये, ठीक है ना। दर तो आपकी तो सेम रहेगी, आ रही है, कितने वर्ष के लिए देता है, 4 ईयर के लिए, अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए यहाँ से ही, ठीक है। यहाँ पर आपका जाएगा 2200 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 के 50 की मल्टीप्लाई कराओगे आपका 100 आ जाएगा, प्लस के 4 की 30 की मल्टीप्लाई कराओ 120 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 22, यानी कि 220 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 20 से ही कितने टाइम जाएगा आपका, 10 टाइम जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू जो आपका आएगा यहाँ पर आएगा 10% आएगा, ठीक है ना। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा था ये कितनी होगी यहाँ पर, ये 10% होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है। एक आदमी ने 16000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% की दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से उधार दी। यदि एक वर्ष में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये है तो 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि है। मेरे प्यार दोस्तों, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सारे जो है ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों, वही आपको कराए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए किस टाइप से होगा मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको 2 रेट दे रखी है। एक आदमी ने 16000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग जो है वो साधारण ब्याज की 4% की दर से तथा शेष भाग देता है वो साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से उधार दी, ठीक है। यदि एक वर्ष में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना दे रहा है वो 700 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको आर जो है फाइंड करनी है, यानी कि एवरेज वाली फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये। अब देखो एक वर्ष में जो है इसकी SI जो था 700 रुपये था, ठीक है। आर इक्वल टू SI इंटू आपका जाएगा 100, अपॉन में कितना जाएगा आपका ये P × T, कितना एक वर्ष के लिए है 3 0, तो आप 3 0 कैंसिल कर लीजिए मेरे प्यार दोस्तों, आपका यहाँ पर आ जाएगा 70, अपॉन कितना आ गया आपका 16, ठीक है। 2 से आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 8 16, 2 3 5, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 35 अपॉन आपका आ गया 8, यानी कि परसेंटेज में आ गया ये आपका, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार दोस्तों, आपको क्वेश्चन करना कैसे है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, यहाँ पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट जो दे रखा है आपको यहाँ पर ये 4% दे रखी है, और सेकंड दे रखी है आपको 5% दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके एवरेज जो हमने अभी फाइंड करी वो आई है आपकी 35/8। देखिए प्यार दोस्तों, जब आप 5 में से 35/8 आप जब माइनस करो तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, LCM पे कर लेना पड़ेगा। तो देखो इस टाइप पर जब आपका जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि रेशनल में आपकी डिजिट आ जाए, ठीक है ना, एवरेज वाली, तो यहाँ पर देखो आपको ये
एट कैंसिल करना है, यानी कि एट से यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए, और यहाँ पर भी आपको एट से मल्टीप्लाई करानी है, यहाँ पर भी आपको एट से मल्टीप्लाई करानी है फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले में, ठीक है ना। जो एवरेज था आपका एट से तो एट कैंसिल होगा, यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पर ये 35% रिमाइंडर आ गया प्यार दोस्तों, ठीक है। ये सॉल्व करने का तरीका, ये 8 4 जा आपका 32% आ गया है, 8 5 जा 40%, ठीक है ना। अब जब आप 40 में से 35 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 5%, ठीक है। और 35 में 32 तो आपका जाएगा ये 3%, ठीक है। यानी कि रेशियो जो आपका आ गया यहाँ पर 1:2 आपका आ गया 5:3। अब यहाँ पर जो फाइंड करना था मेरे प्यार दोस्तों, आपको फाइंड जो करना था वो था, तो 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि है, 4% की दर से जो था आपका ये पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। इसका जो सम होगा मेरे प्यार दोस्तों वो 8 होगा, यानी कि जो आपको 4% वाली थी वो आपकी फर्स्ट है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाला 5/8 आपका जाएगा 16,000, ठीक है। 8 से ये आपका 2 times जाएगा, 2000 की 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये 4% की, ठीक है ना, वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि आ गई है आपकी 10,000 रुपये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे, और सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने हैं एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।